देखो, हिडन ब्रेक के रिपोर्ट से कुछ मार्केट में बहुत बड़ा झटका तो नहीं लगा। हाँ, शुरुआती दौर में ये लगा कि मार्केट जब ओपन हुआ तो गिरावट वहाँ पे देखने को मिला, लेकिन मार्केट फिर यहाँ पे रिकवर हुआ। लार्ज कैप थोड़ा सा यहाँ पे सुस्त दिखा, लेकिन हमें कहीं भी दबाव देखने को नहीं मिला जितना दबाव ही लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। देखो, मैं इन्वेस्टर को बता दूं कि अदानी के स्टॉक्स में कुछ दबाव देखने को मिला था, लेकिन वो भी गिरावट काफी ज्यादा नहीं था, काफी बड़ा दबाव देखने को नहीं मिला था। जानेंगे कि इस रिसर्च से कौन से स्टॉक्स पे कितना असर रहा, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। और म्यूचुअल फंड, जो कि मैंने कल बात किया था कि कैसे म्यूचुअल फंड पे सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, तो आज जो स्टॉक्स में गिरावट है उस स्टॉक्स के बेसिस पे यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड पे दबाव देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे ये भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूंगा कि कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। और मैं पूरा यहाँ पे विश्लेषण के साथ आपके सामने पूरा तथ्य रखूंगा। मैं इन्वेस्टर को ये भी समझाऊंगा कि ऐसे रिसर्च और ऐसे रिटर्न को देख के आपको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं आंकड़े रखूंगा कि मैं कैसे रिसर्च और आंकड़ों की बात कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट का क्या हाल रहा, थोड़ा सा मैं समराइज करके आपके सामने रख देता हूँ। देखो, निफ्टी 50 में करीबन मामूली सा यहाँ पे 20 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल के 50 0.26% जंप किया। निफ्टी मिड के 100 में भी 0.27, बीएससी स्मॉल कैप में 0.51% यहाँ पे जंप होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी मिड के 50 में 20 पॉइंट का यहाँ पे जंप देखने को मिला और निफ्टी आईटी में यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। इट मींस कि यहाँ पे आज के दिन दबाव नहीं रहा। जो भी ये रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को लेके यहाँ पे इन्वेस्टर कुछ भी नेगेटिव नहीं हुए। हालांकि देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, मार्केट टूटे। जो भी यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर मार्केट गिरता तो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा टूटता, सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होता। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रोपेगेंडा लेके आते हैं जिससे मार्केट में दबाव हो और मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टर जो है सेलिंग के मोड में आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टर समझ गए हैं कि ऐसे रिसर्च पे हमें विश्वास नहीं करना है और ऐसे रिसर्च पे हमें यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक यहाँ पे अदानी के स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। अदानी के स्टॉक्स में कितना दबाव रहा, वो आंकड़े भी रखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, एसीसी की बात करें तो यहाँ पे 1.6% का दबाव देखने को मिला। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ भी 1% के अराउंड दबाव देखने को मिला। अदानी ग्रीन में हमें 1% का जंप देखने को मिला। अदानी पोर्ट में 2 से 2.5% का गिरावट। अदानी पावर में भी करीबन 0.6% का दबाव देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट यहाँ पॉजिटिव देखने को मिला। अदानी टोटल गैस में करीबन 4% का नेगेटिव। अगर मैं अदानी विल्मर की बात करूँ तो यहाँ भी 4% और एनडीटीवी में करीबन 2 से 2.5% का दबाव देखने को मिला। तो अदानी के स्टॉक्स में तो दबाव रहा। अब अदानी के स्टॉक्स में जो दबाव रहा, कल मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि कैसे म्यूचुअल फंड में दबाव देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो मैंने कल भी बात किया था, जी हाँ, यहाँ पे क्वांट के म्यूचुअल फंड में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्वांट टीएलएसएस टैक्स सेवर फंड, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें अदानी पावर का यहाँ पे सबसे ज्यादा एलोकेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अदानी पावर में उतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है। अदानी पोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कोटेक बैलेंस एडवांटेज, कोटेक इक्विटी सेविंग फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे फंड में गिरावट देखने को मिल सकता है। इतना पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड का, जी हाँ, अदानी के स्टॉक्स में। थोड़ा सा मैं ये भी समराइज करके आपके सामने आंकड़ा रख देता हूँ। टोटल देखा जाए तो करीबन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 40,813 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में म्यूचुअल फंड के साइड से। अगर आप देख सकते हैं जो मैंने लिस्ट रखा है, अदानी पोर्ट का यहाँ पे देखे तो करीबन 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के साइड से। अंबुजा सीमेंट में 8 से 9 हजार करोड़ का। एसीसी की बात करूं तो करीब 7,600 करोड़ का। अदानी इंटरप्राइजेज में भी करीबन 7,290 करोड़ का। अदानी पावर में 4,000 करोड़। अदानी एनर्जी में 353। तो ये आंकड़े हैं जो म्यूचुअल फंड के साइड से अदानी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। देखो, मैं बता दूं कि आज जो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, हो सकता है कि कल फिर अदानी के स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिले और वो जो म्यूचुअल फंड में दबाव देखने को मिलेगा वो बराबर पे आ जाएगा।
इन्वेस्टर को अब मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो कैसे म्यूचुअल फंड में स्पेशली मैं आज स्मॉल कैप का डाटा रखूंगा, आने वाले समय में मैं और कैटेगरी का भी डाटा आपके सामने रखूंगा, कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़े पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जब रिडम्पशन का सिचुएशन आएगा, जब मार्केट में दबाव होगा, कैसा फंड आपको पैसा में डिले कर सकता है। जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस करो, तो इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर दो कि उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ऐड नहीं करना जिसका एयूएम 500 करोड़ से नीचे हो। सबसे फर्स्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं एलआईसी का रखना चाहता हूं। एलआईसी का स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 7 साल हो गया है और बस 318 करोड़ का एयूएम है। वाकई में काफी छोटा एयूएम है और ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखो मैं किसी भी म्यूचुअल फंड और एएमसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर के सामने वैसे तथ्य रखता हूं जिससे आपका पैसा सेफ रहे और यहाँ पे आपका पैसा भी अच्छा खासा ग्रो हो। एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एयूएम काफी छोटा है और ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, 1.5% का एक्सपेंसेस रेशियो है, जबकि मैं ये डायरेक्ट फंड का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है? दूसरा म्यूचुअल फंड जो है वो क्वांटम स्मॉल कैप है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्वांट और क्वांटम में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वांटम अलग फंड है हाउस है और क्वांट अलग फंड हाउस है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे जो एयूएम है वो मात्र 71 करोड़ का है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर को थोड़ा समय देना चाहिए जब तक 500 करोड़ का एयूएम क्रॉस ना हो जाए। चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो जेएम स्मॉल कैप फंड है। यहां भी जो एयूएम है वो करीबन 454 करोड़ का है। यहां भी आपको समय देना चाहिए जब तक इस म्यूचुअल फंड का एयूएम 500 करोड़ के ऊपर ना हो जाए, क्योंकि देखो अगर छोटा एयूएम होगा तो कई बार प्रॉब्लम होगा लिक्विडिटी को लेके। जी हाँ, मार्केट जब प्रेशर में होगा और उस समय आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अब मैं इन्वेस्टर के सामने एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए आपके सामने कई ऐसे एडवाइजर आते हैं जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न रखते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। एडवाइजर आपके सामने है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है, तो ऐसे रिटर्न देख के आप अट्रैक्ट ना हो। अब कोई आपको ये कहे कि 600% का रिटर्न है, तो आप ये सोचोगे कि 600% का रिटर्न है तो बहुत ज्यादा रिटर्न इस फंड में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन 600% का रिटर्न क्या है एग्जैक्टली? कई ऐसे एडवाइजर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कोई एजेंट भी हैं जो एब्सोल्यूट रिटर्न इन्वेस्टर के सामने रखते हैं जो कि बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम एनुअल रिटर्न की बात करें तो उसमें काफी कम पैसा बनता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, ये एक फंड का आंकड़ा है। कौन से फंड का आंकड़ा है हम उस पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे। तो एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है? 10 साल में 256% का रिटर्न दिया है। ये सुनने में काफी बड़ा लग रहा है, 256% का रिटर्न है। अब कोई भी अगर एडवाइजर या कोई भी एजेंट आपके सामने 256% का रिटर्न बोलेगा तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न पे यहाँ पे गौर करोगे तो मात्र 13 से 14% का रिटर्न है। 3 साल में यहाँ पे 10 से 11% का रिटर्न है। आप एनुअल रिटर्न देखोगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा है, क्या अच्छा है या बुरा है। तो कभी भी कोई आपको बोले कि एब्सोल्यूट रिटर्न इतना परसेंट है, तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न पे यहाँ पे देख के या सुन के कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ईयर टू ईयर पे रिटर्न पे आप फोकस करो, एनुअल रिटर्न पे फोकस करो। अगर आपका एसआईपी है तो वहां पे आपको एक्सआईआर रिटर्न पे फोकस करना चाहिए। कभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न को देख के यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। एब्सोल्यूट रिटर्न से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ऐसा दिखेगा कि पैसा काफी ज्यादा बना है बट एक्चुअल में एनुअल रिटर्न काफी कम होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए ये था आज का वीडियो का विश्लेषण। अगर आपका कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।